हे गाइस, वेलकम बैक टू टेस्टी एंड डिलीशियस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज की जो वीडियो है वो क्रिसमस और न्यू ईयर स्पेशल है। मतलब आज मैं बनाने जा रही हूँ प्लम केक, जो हम विदाउट एग, विदाउट रम और विदाउट ब्राउन शुगर बनाएंगे। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है ये केक। आप देख ही सकते हैं कि देखने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो चलिए हम इस रेसिपी को फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे क्लिक करना ना भूलें, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी आप उसे देख पाएंगे। और ये सब बिल्कुल फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं लगता। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे खाली बोल और उसमें डाल रही हूँ मैं 1/2 कप मिक्स्ड फ्रूट जूस। आप इसकी जगह कोई और फ्रूट जूस भी ले सकते हैं, बट आप कोशिश करें कि आप मिक्स्ड फ्रूट जूस ही यूज़ करें। इससे केक में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इसके बाद इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच कटे हुए चेरी, 3 बड़े चम्मच टूटी फ्रूटी, 1.5 बड़े चम्मच किशमिश। आप इसकी जगह काली वाली किशमिश या फिर गोल्डन किशमिश, दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। और 1.5 बड़े चम्मच इसमें डाल देंगे सूखी हुई खुमानी, इसे इंग्लिश में एप्रिकॉट कहते हैं। और 2 बड़े चम्मच इसमें डाल देंगे कटे हुए खजूर। आपके पास इनमें से कोई भी नट्स अगर ना हो तो आप उसके बिना भी इसे बना सकते हैं, उसके बिना भी केक बहुत ही टेस्टी बनता है। और इन सब को रख देंगे हम सोक करने के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो इसे आप 5 से 6 घंटे के लिए रख दें, वरना आप इसे आधे से 1 घंटे के लिए ज़रूर रखें सोक करने के लिए। और इसके बाद हम कैरमल बनाएंगे, जिसके लिए पैन में डालेंगे 1/4 कप चीनी और इसे छोड़ देंगे हम कैरमल होने के लिए इसी तरह से, क्योंकि यहाँ पर हम ब्राउन शुगर यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम ये स्टेप कर रहे हैं। और अगर आपके पास ब्राउन शुगर है तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, आप डायरेक्ट उसे यूज़ कर सकते हैं ग्राइंड करके। तो ये देखिए कैरमल होना स्टार्ट हो गया है। तो ये देखिए कैरमल जो है वो बन गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच पानी और इसे मिक्स कर देंगे। तो कैरमल हमारा बनके रेडी है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे हम साइड में रख देंगे। और इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है 1/4 कप दूध। इसमें डालेंगे हम 1.5 छोटे चम्मच नींबू का रस, आप इसकी जगह सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे मिक्स करके हम साइड में रख देंगे। तो ये देखिए हमारा जो सारा ड्राइड फ्रूट्स था वो फूल गया है अच्छे से। इसके बाद इसमें डाल देंगे कैरमल सॉस जो अभी हमने रेडी किया था, और उसे डालकर हम इसे मिक्स कर देंगे। और इसके बाद हम लेंगे एक स्ट्रेनर और उसमें डालेंगे 1 कप मैदा, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, और इसे इसमें हम सीव कर देंगे। इसके बाद इसमें डाल देंगे 1/4 कप चीनी, 1/4 चम्मच हरी इलायची पाउडर, 1/8 टीस्पून दालचीनी पाउडर, और 1/8 टीस्पून हम लेंगे इसमें जायफल का पाउडर, आप ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। और साथ ही में डाल देंगे 1/4 कप ऑयल, 1/2 छोटा चम्मच वनीला एसेंस, और इन सबको हम मिक्स करेंगे। और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम दूध, जिसमें हमने लेमन जूस मिक्स करके रखा था, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखिए हमारा जो बैटर है वो रेडी है। इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से कटे हुए काजू और बादाम, आप कोई और भी नट्स इसमें डाल सकते हैं, और इसे मिक्स कर देंगे फिर से हम। तो बैटर रेडी है। इसके बाद हम केक टिन को ग्रीस कर लेते हैं। आप इसे किसी भी केक टिन में बना सकते हैं। और इसे ग्रीस करने के बाद हम इसमें डस्ट कर देंगे थोड़ा सा मैदा, जिससे कि केक बहुत ही ईजिली निकल आए। अगर आपके पास बटर पेपर या फिर पार्चमेंट पेपर है तो आप वो भी लगा सकते हैं। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये केक का बैटर, इसे टैप कर दें अच्छे से, जिससे इसमें जो भी एयर बबल्स हैं वो रिमूव हो जाएँ।
और यहाँ पर गैस पर मैंने 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कढ़ाई को प्रीहीट कर लिया है। इसमें एक स्टैंड रखेंगे और रख देंगे ये केक टिन, और इसे ढक कर हम लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे कुक करेंगे 40 से 45 मिनट के लिए। आप इसे 45 मिनट के बाद चेक करें, तो 45 मिनट हो गए हैं। हम चेक कर लेते हैं टूथपिक से, ये देखिए टूथपिक बिल्कुल क्लीन है। और अब हम इसे निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसे करेंगे हम डीमोल्ड। तो केक ठंडा हो गया है, अब हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। एक बार इसके चारों तरफ आप नाइफ को अच्छे से रन कर दें। ये देखिए बहुत ही इजीली केक निकल आया है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट केक बना है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा डस्ट कर देंगे इसे आइसिंग शुगर से। तो अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।